तो स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद टीवी नाइन भारतवर्ष की गारंटी ओपिनियन पोल, और अब वो वक्त आ रहा है जब हम आपके सामने फाइनल टैली रखेंगे। 543 सीटों का पूरा गणित आपके सामने रखेंगे। अभी तक का जो गणित है, अभी तक की जो टैली है, वो 500 सीटों की है, जिसमें 345 पर एनडीए और 130 सीटों पर विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया आगे बढ़ता दिख रहा है, और ये इस वक्त का सबसे बड़ा आंकड़ा राहुल जी। और अब वो घड़ी जिसका इंतजार हर किसी को है, टीवी नाइन पीपल्स इनसाइट पोल स्ट्रेट और टीवी नाइन के जो गारंटी वाले ओपिनियन पोल है, उसमें अब आपको हम बताएंगे कि फाइनल रिजल्ट्स क्या है, यानी एनडीए, इंडिया और जो अदर्स हैं 543 में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं। और अब बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, आपको एक बात और बता दें, आप फोन कॉल के जरिए जो अपनी सीट है उसके बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं, और मुझे लगता है गौरव आपको नंबर जरूर बता देना चाहिए। बिल्कुल, नंबर्स हम बता देते हैं, क्योंकि ये नंबर्स आपको याद रखना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। बड़े आराम से बोल रहा हूं, 01204909993 ये नंबर है जिस पर आप फोन करके अपनी सीट का ओपिनियन पोल पूछ सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ओपिनियन पोल पूछ सकते हैं। और अगर एंगेज जा रहा नंबर तो निराश मत होइए, आप हमें कॉल करते रहिए, क्योंकि बहुत कॉल आ रहे हैं। लेकिन जल्दी से एक रिकैप आपके सामने, दिन भर आज जो ओपिनियन पोल टीवी नाइन भारतवर्ष आपके लिए लेकर आया है, 20 लाख के सैंपल साइज वाला, आखिर उसमें किस राज्य में क्या आंकड़े दिख रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, 80 में से 70 सीटें बीजेपी, एक सीट कांग्रेस, समाजवादी पार्टी 6, बीएसपी को एक भी सीट नहीं, आरएलडी को 2 सीटें, अपना दल को 1 सीट और बाकी किसी को कुछ नहीं। ये यहां पर उत्तर प्रदेश की सीटों का आंकड़ा। बिहार देख लेते हैं, बिहार में बीजेपी को 17 सीटें, कांग्रेस को 2 सीट, जेडीयू को 15 सीट, आरजेडी को एक भी सीट नहीं और बाकी एलजेपी को 5 सीटें, इसके अलावा एचएम को 1 सीट और बाकी किसी के पास कोई भी सीट नहीं मिलने की संभावना या नहीं मिलने की स्थिति। बिल्कुल, आगे दिखाते हैं आपको पंजाब, 13 में से 2 सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं, 11 सीटें आप हासिल कर सकती है। तो ये यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन नहीं, उसके बाद ये आंकड़े। आगे हरियाणा में बीजेपी के पास 9 और कांग्रेस के पास 1, और हरियाणा के बाद अब अगला नंबर यहां पर है उत्तराखंड का, 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें और 11 पूरी बीजेपी के पास। जल्दी जल्दी आगे आपको सारी सीटें बताते हैं, राजस्थान में 25 में से 23 सीटें बीजेपी के पास हैं और 2 कांग्रेस के पास जा सकती हैं, ये ओपिनियन पोल कहता है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी के पास। इसके बाद नंबर यहां पर आता है गुजरात का, 26 की 26 सीटें और ज्यादा वोट परसेंटेज के पास बीजेपी के पास जा सकती है। नंबर है केरल का, और केरल में बीजेपी इस बार 2 सीटें हासिल कर सकती है, 17 यूडीएफ और एलडीएफ 1। ओडिशा बता देते हैं, बीजेपी 12, बीजेडी 9 और बाकी किसी के पास कुछ नहीं। ओडिशा के बाद आगे बढ़ते हैं ओपिनियन पोल 20 लाख के सैंपल साइज वाला, ये कहता है कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 26 पे बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, टीएमसी 16 तक आ सकती है और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में 7 की 7 सीट बीजेपी के पास जा सकती है, और महाराष्ट्र में 48 सीटें बीजेपी को अकेले, 17 सीटें शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट, दोनों मिलाकर 11, यानी एनडीए को 28 सीटें आ सकती हैं, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को 20 सीटें आ सकती हैं, यह महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल कहता है। चलिए, दिल्ली की बात की हमने, 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास जा सकती है, और मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है टीवी नाइन भारतवर्ष में। दिल्ली में 7 की 7 सीटें आपके पास आ सकती है, हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। बिल्कुल राहुल भाई, मुझे लगता है कि ये जो आपका दिखा रहा है ओपिनियन पोल, इससे भी बेहतर होने वाला है। दिल्ली में हम 7 सीटें पिछली बार लगभग 56% वोटों के वोट शेयर से लिए थे, और जिस प्रकार से इस बार दिल्ली का भाव है, जिस प्रकार दिल्ली का प्यार उमड़ रहा है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी से, द्वारका एक्सप्रेस से, 709 भी हमारे एलिवेटेड रोड से लेके सारे जो उपहार दिए हैं, अगर उसके बाद ये 60% का वोट शेयर हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
और मैं और भी देखता हूं आप सबका, मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप दिखा रहे हैं उससे भी बेहतर रिजल्ट आने वाला है, ऐसा मेरा मानना है राहुल जी। और हमारे मैं दूसरे भाई को देख नहीं पा रहा हूं, कौन है आज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। और देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो पैनल है हमारे साथ इस वक्त, वो बता देता हूं। सुप्रिया श्रीनेत हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, शहजाद पूनावाला हैं बीजेपी के प्रवक्ता, सुनील यादव साजन हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, पुष्पेश पंत जी हैं और राजेश जोशी जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी का स्वागत है, आप सबसे बात करेंगे, अभी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फाइनल टैली अब बता देते हैं। क्या कहती है TV9 भारतवर्ष के इस ओपिनियन पोल की फाइनल टैली, यानी 543 सीटों में से क्या 400 पार हो रही हैं एनडीए की सीटें, क्या 370 बीजेपी को मिल रही हैं, क्या इस बार विपक्षी पार्टियां अपने पिछले प्रदर्शन को आगे सुधार पाती है, ये सब आपको हम दिखाते हैं। फाइनल टैली क्या कहती है TV9 भारतवर्ष की, किसको कितनी सीटें, और ये वो नंबर आपके सामने, 543 में से एनडीए 376 सीटें हासिल करता दिख रहा है, इंडिया गठबंधन 133 सीटों पर सिमटता दिख रहा है, और जो एनडीए में नहीं है, जो इंडिया में नहीं है अदर्स या निर्दलीय, वो 34 सीटें हासिल करते दिख रहे हैं। तो ये 543 सीटों का ओपिनियन पोल, 20 लाख सैंपल साइज, हमने हर लोकसभा सीट पर जाकर ये सैंपल साइज आपके लिए इकट्ठा किया है, और ये 376 133 34। राहुल जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, पहला रिएक्शन आपका, जो हमारी फाइनल टैली है वो बता रही है एनडीए 376, इंडिया 133 और अन्य 34। आपकी फाइनल टैली देखकर मुझे 2004 का इंडिया शाइनिंग याद आ गया। ऐसे ही इंडिया शाइनिंग हो रहा था, किसी को लगता नहीं था कि हराई जा सकती है वो सरकार, और धराशायी हो गई थी, क्योंकि गांव देहातों में शहरों में जिन लोगों का सर्वे हो रहा था वो कुछ और ही बात बता रहे थे, सरकार जो थी वहां पर दूसरी बन गई। असलियत ये है कि आज जब चुनाव के मुहाने पर ये देश खड़ा है, तो इस देश की समस्याएं गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का अपराध हो रहा है और महंगाई है, और इसके बारे में सरकार में सुई टपक सन्नाटा है। उस पर बात करिए, पूरब की बात करिए, पश्चिम बताएंगे, उत्तर की बात करिए, दक्षिण बताएंगे, लेकिन लोगों पर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इसी देश की जनता ने, सरकारें जब मगरूर हो जाती हैं तो उनको निकाल बाहर फेंका है। 10 साल का फलसफा यह है कि मणिपुर जैसे प्रदेश में जहां पर 2 लोकसभा सीट है, यह सरकार 1 लोकसभा सीट पर 2 बार पोलिंग करा रही है, क्योंकि 1 बार वहां चुनाव नहीं कराया जा सकता है। मेरे देश को इस कगार पर ले आए हैं, इस बात का दुख है मुझे कि बेरोजगार नौकरी के लिए लाठी खा रहा है, औरत सम्मान के लिए नोची जा रही है, और जो संरक्षण है वो आरोपी को मिलता है, किसानों को रौंदने वाला मंत्री बना बैठा है। ये सरकार का फलसफा है, जनता निर्णायक भूमिका निभाकर निर्णायक जजमेंट देगी। 4 जून को आंकड़े चौंकाने वाले होंगे।